रखी हो एक गाल से दो गाल से वाला कच्चा केला कहीं लेगा मेरा क्यों डॉट वाला केला क्यों दोस्तों वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग एंड अभी 3:30 बजने वाला है एंड अब चलते हैं पहले असर की नमाज पढ़ लेते हैं उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं पूरा वीडियो देखना बिना स्किप किए हुए डांस करो आप नहीं डांस है रोजा रखे हो हाँ रोजा रखे हो एक गाल से दो गाल से कुछ खाए नहीं हो आप सो गाइस तो मेरा असर का नमाज हो चुका है और ये बहुत ही क्यूट बच्चा है कपड़ा है क्या आपका क्या लिए जैकेट आया खाली कपड़ा भी ऑर्डर बाकी है क्या दाना डाले दाना दाना हम अच्छा चीज सुनाने वाले आप गाना गा रहे हैं आप रोजा रखे आप गाना गा रहे हैं नहीं गाना नहीं गाइए चलिए नमाज हो चुकी है एंड 4 बज गया है और अभी दुकान के पास आए फहीम कपड़ा किसका ले रखे कपड़ा नहीं क्या चीज चप्पल है कोई सा नया चप्पल नहीं लोगे पुराने चप्पल सिलाओगे ना तो मेरा थोड़ी है किसका तोड़ के रखे हैं वही है किसका किसका मेरा मेरा चप्पल है चप्पल मेरा तो मैं चप्पल तोड़ा कौन है मोविन भाई खुद का भी तोड़ लिए है मेरा भी तोड़ लिया ओ अलग अलग इसलिए करके पहन रहे हैं अल्लाह क्या कर रहे हैं मोविन भाई ये क्या कॉम्बिनेशन है चप्पल कोलकाता का मैच चल रहा है कोलकाता मैच चला मोहिमा कोलकाता मैच देख रहे हैं और फहीम भी कोई अच्छा खेल रहा है ये लोग 61 पे 7 ओवर में अच्छा खेल रहा है तो अब चलते हैं थोड़ा देर के लिए बाहर ये रहा गाड़ी अभी वैसे तो हम लोग बाहर ही है पत्थर घूम के आते हैं फहीम भी मेरे साथ जा रहा है फहीम क्या कर रहा है ना तुमको चप्पल ठीक करवाना है ना मैं ही चप्पल वैसे ठीक करवाने जा रहा है सो गाइस पहुंच चुके हैं बस आ चुके हैं पहुंच गए हम लोग सो गाइस यहां फहीम चप्पल सिलाने आया हुआ है फहीम खुद के पैसा सिला रहा है कि मेरे पैसा का ऐसा क्यों इतना मेहरबानी क्यों कर रहा है हमारे ऊपर देख रहे पहनने के लिए नहीं है जूता तो है मेरे पास आज तो अभी चप्पल सिला रहा है फहीम एंड मैं ट्रेवला में बैठ करके डायरेक्ट धूप मेरे फेस पे लग रहा है इतनी देर में इतना पसीना कबला मस्जिद और इधर रात सूरज डायरेक्ट फेस पे मार रहा है यहाँ से टैक फेस पे मार रहा है पसीना पसीना कर दिया यार इतना जल्दी नहा के आकर फायदा नहीं हुआ है क्या कर रहे थे तो बोला निसार सिनेमा में जाने करने के लिए पर यहाँ पे आ गया अब उसको जाने मिलेगा नहीं घर भागना नहीं है जाने देंगे नहीं अब फिर जाने देंगे नहीं अब इधर भागने को ले भैया कहाँ से आ रहे हो भाई आ रहे राउंड मारने के लिए राउंड मारने के लिए क्यों प्रैंक वीडियो बनते रहते ले लो इनके और कहाँ से आ रहा है आ रहे अब्दुल्ला भाई के साथ गए थे काम से अब्दुल्ला भाई थे असलम भाई बिरयानी वाले असलम बिरयानी असलम चचा चचा भाई ठीक है मैं चचा को नहीं चढ़ते असलम का जो नहीं है असलम चचा जैसे और ये मस्जिद यहाँ से मस्जिद का कितना खूबसूरत सीन आ रहा भाई देख देख पीछे देख पीछे देख पीछे देख कल अपलोड होगा भाई कल अपलोड होगा कच्चा केला कहाँ लेगा मेरा डॉट डॉट रहेगा ना उससे ले वही ऐसा क्यों डॉट वाला केला क्यों बता दे क्यों पहले व्यूअर्स को बता क्यों ऐसा डॉट वाला केला सो तेरे कटहरी केला ले ले अम्मी को सर्दी भी है ना हाँ तो कटहरी केला सबसे बेस्ट है मैं डॉट वाला केला क्यों लेते हो ये विजन बताओ हरा केला क्यों लेते हो ग्रीन कलर का हरा केला सर भी होता है जितना पका हुआ रहेगा उतना फायदेमंद होता है केले में प्लस डॉट होना चाहिए ना डॉट भी थोड़ा उससे केमिकल वाला नहीं रहता वो ज्यादातर कौन बोला तुमको ये बात सुनने में आया सुनने में आया सो गाइस तो 5:52 हो चुका है अब चलते हैं घर क्योंकि इफ्तारी का समय होने वाला है माशाल्लाह मेरा भाई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है अम्मी क्या बना रहे आप कुछ मीठा लग रहा है ना चावल का लगा है वो तो हर चीज़ बन चुका है वैसे वो सब कंप्लीट हो चुका है बस और बाकी है घर हो गया हाँ मम्मी बस कैन आई हेल्प यू लास्ट ये लास्ट है नहीं आप बोलेंगे तो हम हेल्प कर सकते हैं वैसे बाहर में लेट हो गया फालतू का ही गया था बस तो हो चुका है टाइम इफ्तारी का टाइम हो चुका है सो गाइस तो अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी हो चुकी है एंड नमाज भी हो चुकी है अब थोड़ा देर करते हैं रेस्ट उसके बाद कहीं जाने का प्लान बनाते हैं चौके खाने के लिए इसमें बल्लेबाज को कुछ नहीं करना है और ये रसल के लिए सबसे आसान बॉल टप्पा डालिए
थप्पड़ डाल के मारा भाई चक्का। सो गाइस छह पर 18 रन चाहिए। क्या बोले मार देगा। और पहला बॉल 6 रन। पहला बॉल 6 रन चाहिए। वाह भाई अभी दो बॉल लिए 12 रन। 5 बॉल 12 रन। 5 पे 12 रन दो बॉल में। बोलो भाई पहीम पहीम सांस ले रहा। सो गाइस तो 9 बज चुका है एंड अब चलते हैं ईशा की नमाज पढ़ने के लिए एंड तरावी की भी नमाज पढ़ने के लिए। सो गाइस तो नमाज हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेन जाने के समय पानी पीना जरूरी है। बंद मत कर। सो गाइस तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो चुकी है एंड अब चलते हैं घर कुछ खा लेते हैं। और मेरे को फीवर जैसा फील भी हो रहा है यार, मतलब बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत खराब हो रही है ऐसा लग रहा है मेरे को अंदर से। सो नमाज बाद डायरेक्ट दुकान। सो गाइस तो मैं घर आ चुका हूँ एंड चलते कुछ खा लेते हैं पहले, उसके बाद देखना है कुछ करना है कि नहीं, क्योंकि मेरे को तो फीवर जैसा फील हो रहा है। और बहन क्या कर रही है? कल एग्जाम है प्रैक्टिकल का। मेहनत करो हम भी चले कुछ खाने। रियल बुक तो ये वाला है, दिखा रही है वो वाला। ये गंदा राइटिंग है तेरा छी। पागल हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसा तैसा राइटिंग हो प्रैक्टिस होना चाहिए छी। वो वाला राइटिंग कैसा बनाई है देखे। छी 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 बहुत अच्छा राइटिंग है। तो खाना भी मेहमान आए हुए एंड अभी चलते हैं उनके लिए कुछ नाश्ता ले लेते हैं। और सब कुछ ले चुके हैं, अब चलते हैं डायरेक्ट घर। मेहमान का तो हम लोग का हिस्सा होता है ना, ऐसा कौन कौन करता है अपने घर में, सब ऐसे तो करता ही होगा। मेहमान का सबके घर में होता है भाई, कोई ऐसा नहीं है जो बचा हुआ। मेहमान जैसे जाता भी नहीं है, गेट खुलता भी नहीं है, उससे पहले खाना शुरू। हम तो फिर भी नॉर्मल करें क्योंकि वीडियो बन रहा है, रियलिटी में तो इससे डेंजर होता है। छुपा के कैमरा कभी लगा पड़ेगा ना तब मजा आएगा। मेरे को फीवर ऐसा फील हो रहा था, स्प्राइट पीने के बाद अब अच्छा फील हो रहा है। गाइस तो 1:30 बज चुका है एंड आज मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं था, तो मैंने आज प्लान किया कि ना बाहर में सही किया जाए। और ये रहे मोइन भाई, खपाई करके मेरा वेट कर रहे थे नीचे। चला जाओ मोइन भाई, कहाँ जाइएगा आज? भाई दिल्ली 6 के बगल में जो होटल है। चलिए तो। और सबसे कन्फ्यूज़न है कि हम लोग आज जाए कहाँ। राजा बाजार से बहुत बार जा चुके हैं, दिल्ली 6 भी जा चुके हैं। और प्लान तो किया दिल्ली 6 के बगल में, पर मेरे घर में खुद पहले ही से गोश्त बना हुआ, तो वहाँ जाना बेवकूफ़ी है। और सोच लीजिएगा कि शेक जाकर पिए, पर शेक पी के फ़ायदा नहीं है क्योंकि सेहरी नहीं होगा फिर। उससे अच्छा है मेरे को घर जाकर के उससे अच्छा सेहरी कर लेंगे, है ना। शेक बाहर से पी लेंगे, क्या बोल रहे हैं? यहाँ से शेक ले लेते हैं, पीना नहीं है, घर में खा लेंगे, उसके बाद शेक पी लिया जाए, पी लिया जाएगा। चलो शेक लेते सबसे बेस्ट रहेगा। हाँ शेक सिर्फ पैक करवा लेंगे सबसे बेस्ट है। अभी पीना पे भी जाएगा क्योंकि फिर सेहरी कर लेंगे, फिर मेरे को पीने का मन करेगा, घर में सब पिएगा और मन करेगा कि कहाँ सब लोग अकेले रहते हैं ना भाई। कैफी भाई अकेले अकेले क्या बोले कैफी भाई? अकेले अकेले भाई को याद भी नहीं किए। नहीं नहीं आप याद नहीं किए ना, बोले तो नहीं ना कि भाई हम जा रहे हैं। भाई से मिल के आए ना मुबीन भाई। तो मैंगो शेक ले लीजिए। मैंगो शेक कैसा? अच्छा लग रहा मैंगो शेक। तो एक काम करिए मोइन भाई, ओरियो शेक हम लोग पी चुके हैं, मैंगो शेक ले लीजिए। फिर पिछला बार ज़्यादा गलती करिएगा तो फिर झाड़ सुनिएगा, पहले खा लीजिए उसी को पैक करवाइए, ठीक है ना मोइन भाई? खूबसूरती फिर खूबसूरती देखकर पैक करवा लीजिए मिक्स फ्रूट। भैया बोले उस दिन हो सकता है ये लोग उस दिन बनाया नहीं हो। हाँ ये है, हो सकता है ऐसा बना नहीं होगा, वरना इतना घटिया तो नहीं होना छुपाने पर। यहाँ सब मिल के आया है ना, जो मिला कर खर्चा करने का मजा अलग है मोइन भाई, याद रखिएगा। बड़े आराम से उठा रहे मोइन भाई, इतना स्लोमो वीडियो बन रहा है, ठीक है। कैसा वाकई में? हम बोला ना इधर अच्छा होगा मैंगो, ठीक है। अब पाइन एप्पल पैक करवा लीजिए, ठीक है। आज पहले जैसा गलती आप नहीं होगा। खूबसूरती देख के पिछला बार पैक हुआ था, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा। आज वाला शेक मम्मी को पक्का पसंद आएगा। सो गाइस तो हो चुका है, खजूर शेक भी बहुत मस्त होता है, ओरियो शेक भी। आप खुद सोचे दोनों चीज़ें ना, पहले बोल रहे पूरी खाएंगे, फिर बोल रहे फिर दौड़ना पड़ेगा कल, फिर बोले यहाँ का टेस्ट भी करना है, आपको अपना बॉडी मेंटेन भी रखना है, पूरी भी खाना है। वाह मोइन भाई मेंटेन नहीं करना तो ना कंफ्यूज भी नहीं होते।
इसे तो बोल ले बॉडी मेंटेन भी रखना है, पूरी भी खाना है, आपके बड़े बड़े शौक मीठा भी खाना है। अब कहाँ हम लोग पी चुके हैं शेक, और मेरे को लगा था कि मैं और ज़्यादा पी लूँगा, पर एक गिलास पीने के बाद 5 मिनट बैठने के बाद मेरे को ऐसा फील हो रहा कि मेरा हो चुका है पूरा कंप्लीट। और भाई भी पैक करवा रहे हैं 7 पीस घर के लिए, अगर घर में बचा तो वो तो हम लोग का ही होगा। मोहिन भाई मेंटेनेंस खत्म, 20 पीस पूरी लेने जा रहे हैं। 20 पीस पर कहाँ सोच के ले रहे 20 पीस, समझ रहे हैं? सब खाएगा, कन्फर्म है? सब खाएगा 10 पीस, समझ में आ रहा है? 10 पीस आप ही का अकेला हो जाएगा, फिर भी 15 पीस ले लीजिए, सियाना बन रहा है। असल में पतला तो हमको होना, क्योंकि हम बहुत ज्यादा मोटे हो गए, कोई कपड़ा मेरे को आ नहीं रहा। और पहले से मेरे पास 3 जींस रखा हुआ पैक, वो मेरे को जींस आ नहीं रहा, क्योंकि मैंने पहले लिवाइस का H&M का और स्पाइक का जींस ले रखा था, पर मेरे को मतलब साइज छोटा हो गया, नया नया रखा हुआ मेरा पर छोटा हो गया, क्योंकि हम कुछ ज्यादा पतले हो गए यानी मोटे हो गए। मोहिन भाई अपने आप को फैला रहे हैं। सो गाइस, तो हम लोग सीढ़ी पे आ चुके हैं एंड अब सीधा चलना है घर। बहुत मस्त है ना? अमेजिंग, सच है बहुत अच्छा है। ठीक, सो गाइस सही हो चुके हैं, चलते हैं फजर का नमाज पढ़ने के लिए, और मैं घर से बाहर आ चुका हूँ एंड फाइन खड़ा हूँ वेट कर रहा हूँ। सो गाइस, तो कम से कम 5 मिनट भाई का 10 मिनट लगभग वेट किए हैं, देखो गेम खेलते हुए आ रहा है, रोड पे ध्यान भी नहीं दे रहा, अल्लाह अकबर गड्ढा देख के। सो गाइस, तो मस्जिद पहुंच चुके हैं, चलते हैं मंदिर में नमाज पढ़ लेते हैं। नमाज हो चुकी है एंड अब चलते हैं घर। फहीम खड़ा के मेरा वेट कर रहा है बहुत देर से, पर सवाल जवाब दर्स में हो रहा था इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। मेरे को भाई कुछ बोलना चाहते हैं? क्या बोलना चाहते हैं भाई? बोल दिया भाई, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया भाई को, नमा दीजिएगा। वीडियो करते हैं अब एंड, तो चलो अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना कौन सा पार्ट आपको पसंद आया हो। सो बाय बाय, चेक के लव यू एंड हाँ, ऑसम प्रैंक टीवी को जाकर सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट जरूर करना कौन सा प्रैंक आपको पसंद आया हो। बाय, लव यू।